हेलो गाइस, आज करेंगे हम बाइसेप्स का वर्कआउट। तो बाइसेप का वर्कआउट किस तरीके से करेंगे और किस रेजो मोशन और क्या क्या टेक्निक्स होगी वो दिखाएंगे। तो चलाओ दिखाते हैं। सबसे पहला वर्कआउट जो होगा वो होगा बाइसेप्स कर्ल। तो किस तरीके से करेंगे वो दिखाते हैं अब आपको। इसमें इसकी टेक्निक क्या होगी कि आपको ना शोल्डर को ज़्यादा मूव ऑन नहीं करना है। कभी आप नीचे कभी ऊपर कर रहे हो तो स्टेबल होके ताकि आपका सारा फोकस जो है आपके बाइसेप पे है। इसके चार सेट करेंगे, 15 से 20 रेप मारना है और फिर जो फील आएगा वो नोटिस करना है और मसल कॉन्ट्रैक्ट करना है आपको, ना कि इधर उधर की मूवमेंट्स करके करना है। तो जो सेकंड वर्कआउट होगा वो होगा हैमर कर्ल। वो किस तरीके से करेंगे वो दिखाते हैं। चलो इसमें भी सेम पोस्चर रहेगा, देखो ये करना है आपको। इसकी भी सेम फॉर्म रहेगी और सेम ही कॉन्ट्रैक्ट करना है आपको। और इसके चार सेट करेंगे 15 से 20 रैप। जो थर्ड वर्कआउट है बाइसेप्स का वो करेंगे बारबेल कर्ल। वो किस तरीके से करेंगे वो दिखाते हैं। इसका जो इसकी पकड़ होगी वो होगी आपके शोल्डर के बराबर होगी, ना कि ज़्यादा वाइड ना ज़्यादा क्लोज। इसके भी चार सेट 15 से 20 रैप करेंगे। दिखाते हैं किस तरीके से करते हैं। चलो अपनी बॉडी को ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं करनी कि आगे झुक रहे हो पीछे झुक रहे हो, और वेट उतना ही उठाना है जितना आप उठा सको। इसके भी चार सेट, ठीक है, 15 से 20 रैप। जो लास्ट वर्कआउट होगा वो प्रेशर कर। तो किस तरीके से करेंगे, इसके भी चार सेट करेंगे 15 से 20 रैप। तो दिखाते हैं किस तरीके से करेंगे। ना कि हाफ, फुल रेज मोशन करोगे तो आपके बाइसेप की पीक अच्छी बनेगी इसकी। इसको पूरा ऐसे रखना भी नहीं है, इसको थोड़ा सा दूर रखना है ताकि बाइसेप पे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन आए और फोर्स भी जो है वो आपके बाइसेप पे आए। तो ये चार एक्सरसाइज है जो बेनिफिशियल है आपके बाइसेप को ग्रोथ करने के लिए, और वेट भी उतना ही उठाना है जितना आप उठा सको, ना कि ओवर वेट उठाए ताकि जहाँ पे आपका मसल लॉस ना हो जाए और इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर वेट ज़्यादा होने की वजह से तो वेट उतना ही उठाना है जितना आप उठा सकते हो। और इस सबके चार सेट करना है 15 से 20 रैप। थैंक यू।